पहले दो चीजें मैंने डिफेंड नहीं किया है, लेकिन जो मेरे कथन का अर्थ बना रहे हैं केवल ये बताते हैं। ये तो हमारा कहना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स उस समय के गृह सचिव रिपोर्ट के आधार पर इनसे पर एक क्लेरिफिकेशन कहो कि उस दिन आपने गलत कहा, आज जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। अगर ये बात यहां स्पष्ट हो जाए तो आर के सिंह के बात में मेरे कहने में कोई अर्थ नहीं, अंतर नहीं है। और जो कहा है यहाँ का एक आईपीएस ऑफिसर, उसके कहने में मेरे कहने का अंतर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे सारे शब्दों का एक अर्थ, धर्म के आधार पर मुझे भी मत बनाओ। अभी उसने गलती की है, किसी ने गलती की है, तो उस गलती को सबके सामने रखो। मेरा सवाल और उनका सवाल कहीं अलग नहीं है। क्यों नहीं हुई, इसका जवाब हम नहीं, वो जवाब देंगे कि इस रपट के आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और वो जवाब देंगे कि यदि वो सच था तो आज वो कैसे तो भारत की सरकार में मंत्री हों, और उन्होंने गलत कहा तो ये बताना चाहिए देश को कि उस समय हम भ्रम में कह गए थे। पीएफआई वही कर रही है क्या? मैं अभी अभी मैं बार बार कह रहा हूं, यदि दूसरी बात कह रही हो कर रही हो तो इसमें डिफेंस नहीं है। यदि आरिशेस वही काम कर रहा है तो हो सकता है वो भी वही काम कर रहे हो, लेकिन क्यों आरिशेस पर कार्रवाई नहीं?